7 दिनों में कैल्शियम तेजी से बढ़ाए और जोड़ों को मजबूत बनाए। आप ये लड्डू गर्मियों में खा सकते हैं। इस लड्डू में कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम से भरपूर है। इससे आपकी इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी, साथ साथ हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। इसमें हमने ना ही घी, तेल, चीनी, गुड़ का इस्तेमाल किया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप बादाम। बादाम को लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिशंस का अच्छा सोर्स है। ये शरीर को एनर्जी लेवल बूस्ट करता है और हड्डियों को भी मजबूत करता है। बादाम में ओमेगा 3 प्रोटीन, कॉपर, फाइबर और जिंक होता है और साथ ही साथ हेल्दी फैट होते हैं और जोड़ों की ग्रीस को बढ़ाता है। नेक्स्ट चाहिए हमें 1/4 कप खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। ये हार्ट हेल्थ को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और नींद ना आने की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसे भी हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए 1/4 कप मेलन सीड्स यानी खरबूजे की बीज। प्रोटीन से भरपूर और हड्डियों को मजबूत बनाता है। स्किन, हेयर और आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ मैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो गर्मियों में खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा, बस आप एक एक लड्डू रोज़ खाएं। नेक्स्ट है 100 ग्राम मखाना यानी कि फॉक्स नट। इसमें बोलूँ तो सेहत के खजानों से भरा है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग से भरपूर और हड्डियों को मजबूत करता है। जैसे जैसे फ्रेंड्स एज बढ़ती है, घुटनों में दर्द शुरू होने लगता है। इसे आप डाइट में ज़रूर शामिल करें। इस तरह से जब ये क्रिस्पी हो जाए तो समझिए ये रोस्ट हो गया है। इसे लो फ्लेम पे ही हमने रोस्ट किया है। थोड़ा पेशेंस के साथ इसे आप रोस्ट करिएगा। सभी ड्राई फ्रूट तो रोस्ट हो गए हैं, अब इसे पूरी तरह से ठंडा करें ताकि ये और क्रिस्पी हो जाएं। नेक्स्ट हम ले लेंगे भुना चना जो कि है 100 ग्राम। इससे खून तो बढ़ता ही है फ्रेंड, साथ में जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, फाइबर भी होता है और साथ ही साथ ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। इन्हें हम छिलकों के साथ पीस लेंगे। इसे हमने एकदम बारीक पीस के रेडी कर लिया है। इसी तरह अब ड्राई फ्रूट भी ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें भी हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। लो फ्लेम पे भूनने की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी हो गया है, इसीलिए इसे पीसना बहुत ही आसान हो गया है। देखिए ये कितना बारीक पीस के रेडी है। इसी तरह हम सारे ड्राई फ्रूट को पीस लेंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है छुहारा जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है और ये डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है। अगर आपको भूलने की शिकायत है तो ये भी दूर करता है। ये हमने ले लिया है 50 ग्राम जिसे हमने बारीक कट कर लिया है और इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा तो बारीक नहीं होगा, जितना बारीक होगा उतना ही बारीक हम कर लेंगे। अगर आपको भी डायबिटीज़ यानी शुगर है तो इस हेल्दी पाउडर को फ्रीज में रखें और रोज़ एक गिलास दूध में एक बड़े चम्मच डालकर पिए, बहुत फ़ायदेमंद है फ्रेंड। इसे आप ज़रूर यूज़ करिएगा। इसे आप एक एयर टाइट बॉक्स में बंद करके फ्रीज में रख सकते हैं। अब हम बनाएंगे एक शुगर सिरप जिसके लिए हमें चाहिए एक पैन में 1/4 गिलास पानी। अब हमें चाहिए 1 कप मिश्री, ये धागे वाली मिश्री है, इसमें केमिकल कम होता है इसलिए हमने इसे लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह शक्कर भी ले सकते हैं। ये थोड़ी बड़ी थी, इसे हमने तोड़ के छोटी कर लिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। इसे हमें कोई एक तार दो तार वाली चाशनी नहीं बनाना है। देखिए ये बस चिपचिपी सी हो रही है, एक तार आने से पहले ही ये चाशनी पका के तैयार कर लेना है। खुशबू और टेस्ट के लिए हमने डाला है 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। चाशनी बनके हो गई है तैयार, अब इसे हम गैस से उतार लेंगे। चाशनी को हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि इसकी हम कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें। मिक्स करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी चाशनी जाती है। चाशनी को हमने पूरा डाल दिया है और ये इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी चाशनी हमने बनाई थी एकदम परफेक्ट माप था, इतना आप भी बनाइएगा। और देखिए लड्डू एकदम परफेक्ट बन रहा है।
लड्डू तो बहुत अच्छा बन रहा है। इसमें थोड़ा सा कटे हुए पिस्ता डालेंगे, आप चाहें तो डालें या इसे स्किप कर दें। अब सारे ही लड्डू हम छोटे या बड़े बना के तैयार करेंगे। अगर आपको बच्चों के लिए बनाना है तो थोड़े छोटे बनाएं, और बड़ों के लिए बनाना है तो मीडियम साइज़ के बनाएं। ये हमने मीडियम साइज़ के लड्डू बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह आप सारे लड्डू बना के तैयार कर लें। जहाँ फ्रेंड इस भाग दौड़ वाली लाइफ में टाइम की कमी के चलते हम खुद का या फैमिली का ख्याल नहीं रख पाते हैं, इन्हें एक बार बनाकर रख लें और महीनों तक आराम से खाएं। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए ये अंदर से कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। हेल्दी लड्डू बनके एकदम रेडी हो गए हैं। इसे आप एयर टाइट जार में रखें और 2 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये लड्डू आप भी अपने फैमिली को बनाएं और खिलाएं और उन्हें सेहतमंद बनाएं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। इसके पहले हमने ठंड में भी खाए जाने वाले लड्डू की रेसिपी शेयर की थी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। कीप सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।